लव यू मामी। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? क्या क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे नहीं आती मैं? बच्चे की आत्या हूं मैं। क्या? पल्लवी, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी अपने मुंह से ऐसी नीच बात कहने की? लो, जिसे हम पूरे गांव भर में ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ पर घूंघट में छुप कर बैठी है। मैं जानती थी नामकरण के कार्यक्रम में तुम जरूर कोई बाधा डालने की कोशिश करोगी, इसलिए मुझे यहाँ बेस बदल कर आना पड़ा। ला, बच्चे को मुझे दे। नहीं पल्लवी, बच्चा मुझे दो, मुझे दो। छोड़ो, बस। आप दोनों को वाड़े के इस तरफ आने के लिए मना किया था ना मैंने? कौन सा नया ड्रामा है आपका एमआई? और आप पल्लवी मामी, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। अरे ऐसे कैसे निकल जाओ? हाँ, बच्चे की आत्या हूं मैं, और आत्या होने के नाते इसका नामकरण मैं ही करूंगी, समझ ला? चाची, अब चाची क्या कहना चाहती हैं आप? साफ साफ कहिए। अब ये तो पूरे गांव भर में सबको पता है कि अथर्व और संपदा का रिश्ता तुम्हारी शादी के बाद भी था। तभी तो शादीशुदा होने के बावजूद संपदा ने अथर्व को घर से भागने के लिए मना लिया। अब इस बात का क्या सबूत है कि ये बच्चा आपका है? हाँ, नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है बाबा कि ये बच्चा मेरे भाई का है, ये बच्चा अथर्व का है। पल्लवी मामी, रिश्तों को भूलने पे मजबूर मत कीजिए मुझे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? पल्लवी, बस करो, क्या नाम शनाम बके जा रही हो तुम, और क्यों कर रही हो ये सब? पल्लवी, पिल्लू संपदा और मल्हार का ही बच्चा है, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। होगा, अगर आप अपनी बेटी को इतने अच्छे से पहचानती थी तो फिर तो आपको अथर्व और संपदा के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता होगा, हो कि नहीं? असो, मैं अपने भाचे का नामकरण करने आई हूँ और इसका नाम होगा सिद्धार्थ। कोई स्पिरिचुअल नाम चाहिए ना? सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ रख सकते हैं। कैसा है ना, चाहने के लिए? हाँ,
नहीं वो क्या है ना कि अथर्व हमेशा चाहता था कि उसके बच्चे का नाम सिद्धार्थ हो, इसलिए इसका नाम भी सिद्धार्थ ही होगा। चुपचाप बाहर जाके वही नाम बताना जो मैं तुम्हें यहाँ बताऊं। मोक्ष मल्हार राणे। नहीं 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 मल्हार जी, आपको कोई स्पिरिचुअल नाम चाहिए ना? सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ रख सकते। बहुत तैयारी की है ना नामकरण विधि की, लेकिन अब ऐसा तमाशा होगा कि बच्चे को नाम मिलने से पहले ही मल्हार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तुम अंदर जाकर ये कहना कि ये बच्चा अथर्व का है और बुआ होने के नाते उसका नामकरण तुम करोगी। ऐसा कहकर उसका नाम सिद्धार्थ रखना और ये कहना कि अथर्व तो हमेशा ही चाहता था कि उसके बच्चे का नाम सिद्धार्थ हो। हाँ? लेकिन आओ साहेब, अथर्व ने तो मुझे ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। तो बस अपना दिमाग मत चलाओ, जैसा बोला है वैसा ही करो। तो इसका नाम सिद्धार्थ ही होगा। आखिर हमारे बुने हुए जाल में तुम फंसी गए ना मल्हार, अब सारा गांव तुम पर हंसेगा और तुम जिंदगी भर ये सोचते रहोगे कि कल्याणी तो हमेशा से जानती थी कि अथर्व ही इस बच्चे का बाप है। अरे अरे तिल्लू को मुझे दीजिए। अरे 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 बंद करिए, ये मल्हार जी का बेटा है, समझी आप? क्या सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये बच्चा मल्हार का ही है? बोलो। मल्हार जी, मल्हार जी आप प्लीज चाची की बातों में मत आइए। चाची बकवास कर रही है, नाटक कर रही है आपके मन में शक पैदा करने के लिए। पल्लू आपका ही बेटा है, आप उनकी बातों में मत आना मल्हार जी प्लीज। सिद्धार्थ? हाँ? आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। मैं सच में नहीं जानती थी कि अथर्व अपने बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखना चाहता था। मैं सच कह रही हूँ। नहीं मल्हार, पल्लवी पे भरोसा मत करो मल्हार। तुम्हारे बारे सिक्सटीनी का फायदा उठा रही है वो, तुम्हारे मन में शक पैदा कर रही है वो। बिल्लू तुम्हारा ही बच्चा है मल्हार, बिल्लू तुम्हारा ही बच्चा है। जितना चाहे चीखिए और चिल्लाइए भाई, लेकिन चीखने और चिल्लाने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। और सच तो यही है कि ये बच्चा अथर्व और संपदा का नाजायज बच्चा है। बहुत हो गया आपका। छी, इतनी घिनौनी बात आप कह भी कैसे सकती हैं? मेरे मन में कोई शक नहीं है, मैं जानती हूँ कि ये बच्चा मल्हार जी का ही है। मल्हार जी, मल्हार जी एक बार पल्लू की तरफ देखिए, इसकी आंखें बिल्कुल आपकी तरह है। मल्हार, मल्हार,
लाजी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ बिल्लू आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। मैं जानती हूँ मल्हार जी कि बिल्लू आपकी जिंदगी है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं मल्हार जी? बिल्लू आपका ही बेटा है। मल्हार जी देखिए ना बिल्लू की तरफ प्लीज। मल्हार जी शिकवा गिला करे ना किसी से कुछ बोले। मल्हार जी देखिए ना इसकी तरफ एक बार देख लीजिए ना। चलो रो मल्हार जी देखिए ना एक बार बिल्लू की तरफ। बिल्लू के सिर पे हाथ घुमाइए और आपका सारा शक दूर हो जाएगा। बंधन छूट गया बाप भी हमसे रूठ गया। सांसों का बंधन छूट गया टूट गया दिल टूट गया। सॉरी लेकिन ये फंक्शन खत्म हो चुका है, आप सब जा सकते हैं। मल्हार मल्हार पल्लवी की बातों पर भरोसा मत करो मल्हार, वो झूठ बोल रही है। अच्छा आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सिर्फ तुम्हारे मन में शक का बीज बोना चाहती है। वो झूठ बोल रही है मल्हार। नहीं 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 मल्हार नहीं। हट जाइए मेरे। मेरी बात तो सुनो मल्हार। बिल्लू सिर्फ तुम्हारा बच्चा है मल्हार। बिल्लू के अपने होने पर तुम संदेह कैसे कर सकते हो मल्हार? बिल्लू तुम्हारा बच्चा है। हाँ मल्हार वही आंखें वही नाक मल्हार। और कल्याणी के होठों पे वो नाम जो अथर्व अपने बच्चे के लिए रखना चाहता था, आपने और कल्याणी ने मेरी जिंदगी का अच्छा मजाक बनाया है माई। नहीं मल्हार सब झूठ है, सब झूठ है। मैंने और कल्याणी ने संपदा और अथर्व की कोई मदद नहीं की। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? हट जाइए मेरे रास्ते से। मल्हार मेरी बातों का यकीन करो। आज आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हट जाइए मेरे रास्ते से। मल्हार 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 मेरी बात सुनो मल्हार, मेरी बातों का विश्वास करो। बिल्लू तुम्हारा बच्चा है, अपने बच्चे के बारे में सोचो मल्हार। मल्हार 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 ये क्या कर दिया आपने चाची? क्यों किया आपने ये सब? ये छोटे से बच्चे के साथ क्या दुश्मनी थी आपकी? आप इस हद तक कैसे गिर सकती हैं? अपनी बकवास बंद करो और बच्चा मुझे दो। मुझे इसका नामकरण करना है। दो चाची। चाची छोड़िए। चाची मैंने कहा छोड़िए बच्चे को। बच्चा दो मुझे। लवी तेरा भाई तो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन मेरी बेटी के चरित्र पे दाग लगाने के लिए तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं जान से मार डालूंगी तुझे, समझी? या भैया क्या ये सच में मेरी जान लेने आ रही है? या उस साहब ने भी कहा फंसा दिया मुझे। जान से मार डालूंगी तुझे। आदी चूड़ियों से क्या कर रहे हैं आप? अब इस घर में खून खराबा करेंगे आप? तुम बीच में मत बोलो कल्याणी। श्री तो तुम भी हो ना, मेरी बेटी को इसके भाई के साथ भगाने में तुमने मदद की थी ना? झूठ 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 सब झूठ है ये। चिल्ला चिल्ला के कह चुकी हूँ कि मैंने संपदा और अथर्व की भक्ति में कोई मदद नहीं की थी, नहीं की थी कोई मदद नहीं। ठीक कर कमीनी, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरी बेटी के चरित्र में कोई दोष नहीं था, दोष तो तेरे भाई के चरित्र में था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, पागल हो गए हैं क्या? इनका गंदा खून बह रहा है रगों में।
गंदा खून किसका है ना, ये तेरी बेटी ने तो साबित कर ही दिया है। अरे चुप कर, अरे कान खींच लूंगी मैं। चल चल रे, अरे बच रे, ये बच रे, चल रे, जान से मार डालो इस चाची। चल रे, नहीं छोडूंगा, आ जा, तुम मार ही डालूंगी मैं। बिल्लू बिल्लू शांत हो जा। हाय हाय आई आई, संभालो खुद को। आई आई आई, शांत हो जाओ। कल्याणी कल्याणी, मैंने मल्हार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मल्हार हम दोनों पे विश्वास नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि पल्लवी ने जो कुछ कहा वो सच है, और उसे ये लगता है कि हम दोनों को वो सच पता था। अब उसे कैसे समझाए कल्याणी कि आउसाइड और पल्लवी की ये चाल थी। हाँ कल्याणी, ये सब आउसाइड और पल्लवी की चाल थी। उनकी बातें मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी। पल्लू के नामकरण के कार्यक्रम में वो बाधा डालने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन वो दोनों इस हद तक गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब जानते हुए भी मैं पिल्लू के नामकरण के कार्यक्रम को बर्बाद होने से नहीं रोक पाई। हार गई कल्याणी, मैं हार गई। नहीं, आई आई, सब सब हो जाएगा। तुम कमजोर पड़ जाओगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? संभालो खुद को, तुम टूट नहीं सकती। और तुम हारी नहीं हो आई, हम हारे नहीं हैं। बिल्लू को सही नाम दिया जाएगा जो उसके बाबा चाहते थे, और ये काम तुम करोगी, बिल्लू की नानी करेगी ये काम। अब चलो अपने नातू के कान में इसका नाम बोलो, बोलो जो उसके बाबा उसे देना चाहते हैं। मोक्ष मल्हार राणे। आई आई, देखो पल्लू अपना नाम सुनने के लिए कितना इंतजार कर रहा है। आई बोल दो, आई प्लीज आई बोल दो। मोक्ष मल्हार राणे। देखो आई, मोक्ष अपना नाम सुनते ही कैसे चुप हो गया ना। मोक्ष भी जानता है कि ये जो नाम उसे दिया गया है ना, वो उसके बाबा ने उसे दिया है। लेकिन कल्याणी, ये बात हम मल्हार को कैसे समझाएंगे? क्या मल्हार मोक्ष को अपना पाएगा? पल्लवी के कहने से मल्हार के मन में शक तो जरूर पैदा हो चुका है। मैं भी देखती हूं मल्हार जी मोक्ष को कैसे नहीं अपनाते। मैं जानती हूं आई कि मोक्ष मल्हार जी की जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद जब कभी कभार मल्हार जी जब मुस्कुरा देते हैं वो मोक्ष की वजह से ही तो है। और मैं मल्हार जी से उनकी मुस्कुराहट, उनकी खुशी दूर नहीं होने दूंगी। मल्हार जी को मोक्ष को अपनाना ही होगा, और अगर मुझे इसके लिए उनसे लड़ना भी पड़े ना तो ठीक है, मैं लड़ जाऊंगा, लेकिन मल्हार जी को मोक्ष को अपनाना होगा।